नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपने मोबाइल पर पीपीटी कैसे बनाएं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है तब ये वीडियो देख के आप आसानी से अपने मोबाइल पे पीपीटी या प्रेजेंटेशन बना सकेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हर जगह हम अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मोबाइल हमारे साथ में हमेशा रहता है, तो हम कहीं भी अपना अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है तो बहुत आसानी से हम मोबाइल पर प्रेजेंटेशन बना के हम अपनी बात को बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन के ज़रिए रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो बाकी आगे वाले पार्ट्स बारी बारी से मैं बनाऊँगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे वाले पार्ट्स आसानी से आपको देखने को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद प्ले स्टोर में हमको टाइप करना है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट मैंने पहले से ही सर्च किया हुआ है और इसको हमको इंस्टॉल कर लेना है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसा लैपटॉप में होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही इसमें है। और जब ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा तब हमको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस टाइप से दिखेगा। आपके मोबाइल में हो सकता है ये मांगेगा कि पहले हम इसको लॉगिन करें, साइनअप करें, तो आपको जैसी आपकी मर्ज़ी है पहले इसको ट्राई कर लेना है, उसके बाद साइनअप करना है या लॉगिन करना है, या पहले इसको आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे प्लस का बटन बना हुआ है, एक सर्च का बटन बना हुआ है। तो यहाँ प्लस के बटन पर जब हम जाएंगे तब सबसे पहला ऑप्शन इसमें जब मांगेगा तो ये है क्रिएट इन वन ड्राइव पर्सनल। तो वन ड्राइव में अगर आपने लॉगिन पहले से कर रखा है, मैंने तो इसमें लॉगिन कर रखा है तो इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो आप अपनी फाइल को कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, कहाँ पर इसको क्रिएट करेंगे, तो वन ड्राइव में भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन आपकी सेव हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है दिस डिवाइस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो इस फाइल की लोकेशन होगी वो मेरे मोबाइल में होगी। यहाँ पर जब देखेंगे एक ऑप्शन आएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो अभी के लिए हम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे जब दिखेंगे आपको तो ये सारे ब्लैंक प्रेजेंटेशन और इसके बाद मेडिसिन, एटलस, टेक ए टूर, यानी टेक ए टूर में ढेर सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे इसको हम बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये जितने भी नीचे ये दिए हुए हैं ये सारे टेम्पलेट्स हैं, तो अगर हम इनमें से कोई लेना चाहें तो इनमें से ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऊपर सबसे ऊपर जो दिखाई देगा वो है हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ पर चूँकि सीखेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। इस पर टच करेंगे तो ये मांगेगा ट्राई आउटलाइन व्यू प्रीव्यू, तो हम नहीं नो थैंक्स कर देते हैं और यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। और इस इंटरफेस को देखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन आई है, वी गिव योर फाइल ए प्लेस होल्डर नेम, टैप हियर टू रीनेम इट। सबसे पहले इसी को सीख लेते हैं। अगर हम इसको अपनी फाइल का कुछ भी नाम दे देते हैं तो हम जो भी अपनी फाइल जिस पर भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो इसी पर हम यहाँ पर टैप करके उसका नाम बदल सकते हैं आसानी से। मैंने फाइल का नाम यहाँ पर डाल दिया है ऑटोमेटिक, इसका जैसे मैंने टाइप किया था, हमको कोई बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उसका नाम जो फाइल का नेम है वो टाइप हो गया। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है तो यहाँ पर डबल टैप टू ऐड टाइटल। अब यहाँ पर जो भी ये हमारी जो है ये स्लाइड है, तो इसमें ये पहली स्लाइड है, तो पहली स्लाइड में अब हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट जोड़ेंगे कुछ भी। अब यहाँ पर करना क्या पड़ता है, हमको डबल टैप करना पड़ता है। डबल टैप करके अब इस टाइप का ये जो बॉक्स दिखेगा ये बड़ा ही सिंपल है। इसके जो डॉट्स दिख रहे हैं इस पर अगर टच करेंगे तो ये कॉपी फॉर्मेटिंग, कॉपी पेस्ट और कट का ऑप्शन आ जाएगा बड़ी आसानी से। फिर नीचे ये है डबल टैप, यानी कि जो सबटाइटल हम जोड़ना चाहें तब हम सबटाइटल इसमें जोड़ पाएंगे। इसको हम छोटा बड़ा भी यहाँ पर पकड़ के कर सकते हैं, ये देख रहे हैं बहुत आसानी से।
अब यहाँ पर हमने कोई भी प्रेजेंटेशन लिया, जैसे मान के चलिए मुझको यहाँ पर नाउन पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो यहाँ पर हमने इसको नाउन को थोड़ा सा अगर ऊपर करना चाहेंगे तो हम आसानी से इसको टच करके और ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसे ही हम नीचे इसके, अब इसको जो दूसरा डायलॉग बॉक्स है जिस पे लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड सब टाइटल, अब यहाँ पर सपोज दैट हमको जोड़ना है डेफिनेशन। टाइप करने में भी बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पर डेफिनेशन ऐड करना है। अब हमारे पास ये डेफिनेशन हमको इस बॉक्स में ऐड करनी है। अब डेफिनेशन दिख रहा है नाउन के नीचे दिख रही है जैसे सब टाइटल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी इसको सेट करना चाहें वहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। सपोज दैट मुझको यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर मुझको दिखाना है कि मुझको ये डेफिनेशन, अब इसके नीचे ये डायलॉग बॉक्स नहीं रखना है, इसको मूव करना है। तो यहाँ पर कैसे मूव करेंगे, यहाँ पर हम देख लीजिए दोबारा, यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर नीचे एरो आ रहा है इस पर हम टच करेंगे तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे। इन्हीं ऑप्शंस को हम धीरे धीरे बारी बारी से सीखेंगे। अब हमने यहाँ पर टैप किया और यहाँ पर जब हम देखेंगे ये क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, नंबरिंग, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आएगा, ये जो डॉट्स वाले ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो इसको हम अभी चेक करेंगे। इसका मतलब है इस साइड में आ जाएगा, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसका सेंटर में आ जाएगा। इसको टच करेंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा, इसको टच करेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, और ये फिर बीच में इस टाइप से आ जाएगा, और ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर ज़रूरत है हमको लेफ़्ट साइड में इसको लेने की, तो लेफ़्ट साइड में लेंगे तो ये दो टाइप के जो डॉट्स दिख रहे हैं लाइन में दिख रहे हैं, तो हम इसको टच कर देंगे और ये वहाँ पर बिल्कुल अपने फिट पोजीशन पर चला जाएगा। अब हमको यहाँ पर टाइप करना है, अब डेफिनेशन जो भी है नाउन की हम यहाँ पर लिख देंगे, नाउन इज द नेम ये हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर हमारी डेफिनेशन आ गई। अगर सपोज दैट मान के चलिए हम उसकी डेफिनेशन जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो नीचे एक ऑप्शन आ जाता है, यहीं पर हम बोल्ड कर देंगे। और अगर इसका फॉन्ट का कलर भी बदलना चाहते हैं तो कलर भी, कोई भी कलर हम यहाँ पर इस पर जो ए लिखा हुआ है यहाँ पर जाकर कोई भी कलर हम चेंज कर देते हैं। मैंने बोल्ड कर दिया और उसके बाद कलर चेंज कर दिया। अब ये हमको दिख रहा है कि ये छोटा सा दिख रहा है, तो इसका नाउन का भी हम डबल टैप करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसको बोल्ड कर देंगे। तो ये दो ऑप्शन हमने आज सीख लिए। अब इसके बाद हम सपोज दैट अब इसका हमको फॉन्ट बड़ा करना है, तो इसको डायलॉग बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर होम पे जाएंगे, ये सारे ऑप्शन पहले देख लेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर ये जो फॉन्ट है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम कोई भी फॉन्ट अपनी मर्जी का इसमें लगा सकते हैं। तो ये फॉन्ट जब डाउनलोड हो जाएगा तो देख रहे हैं फॉन्ट इसका चेंज हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जाके अगर इसका साइज, अभी तो इसका 24 साइज़ था, अगर सपोज दैट हम इसको चेंज करना चाहें तो ऑटोमेटिक इसका साइज भी हम बदल सकते हैं। इसमें टच करेंगे और साइज इसका 36 हमने कर दिया और इसका साइज हमारे पास 36 हो गया। अब दो चीज़ें हमने सीख ली, नंबर एक कैसे इसको बोल्ड करना है और कैसे फॉन्ट का साइज हमको बढ़ाना है। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बोल्ड पे क्लिक कर देंगे और इधर यहाँ पर जहाँ 36 लिखा हुआ यहाँ पर जाएंगे तो इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब बाय द वे हमको इसको इटैलिक करना है, अगर इटैलिक करेंगे तो इस पर आई पे क्लिक कर देंगे। अगर इसको सपोज अगर मान के चलिए पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ से जाके अंडरलाइन कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं, सपोज दैट मान के चलिए इस बॉक्स को हमको, पूरे बॉक्स को
अब क्या करना है, आपको फॉर्मेट करना है, एक बॉक्स को थोड़ा सा अच्छा लुक देना है। तो यहाँ पर जाके तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर होम जहाँ पर है यहाँ पर शेप पे क्लिक करेंगे और शेप स्टाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब शेप स्टाइल कई स्टाइल से आएंगी, इस टाइप से कोई भी अगर सेलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे जाके, फिलहाल मैंने ये सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर जाके कोई भी शेप हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे भी बहुत सुंदर सुंदर सी शेप्स दी गई हैं, इनको आसानी से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ बात आती है इसमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम सिंपल सा वही करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाने का फॉन्ट कलर यहाँ पर हमने एक जैसा फॉन्ट कलर कर दिया है। अब यहाँ पर नाउन आ गया, नाउन की डेफिनेशन, ये दो चीज़ आ गई। अब दो चीज़ें आने के बाद हम तीसरी चीज़ अब कौन सी लेंगे, यहाँ पर जाएंगे होम पे। अब होम पे सबसे पहला ऑप्शन इंसर्ट है, अब इंसर्ट पे जाएंगे तो हम हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड अगर करनी है तो यहाँ पर जाके न्यू स्लाइड हो जाएगी। अब हमारे पास नीचे देखेंगे तो दो स्लाइड देखेंगे, पहली स्लाइड ये टच करेंगे तो ये आ जाएगी और यहाँ पर दूसरी स्लाइड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम न्यू स्लाइड सीख ली कि हमें ऐड करने के लिए हमें दूसरी स्लाइड कैसे ऐड करनी है, और न्यू कमेंट, कमेंट अगर हमको ऐड करना है तब, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। आगे चलते हैं टेबल, सपोज दैट इसमें हम टेबल डालना चाहते हैं, अब हमको इसमें टेबल की, बाय द वे हमारे इस प्रेजेंटेशन में टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, हम तो इसको लेंगे यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कर देंगे। और टेबल जहाँ पर जैसी भी, अब टेबल पे अगर ये टेबल है हमने जो ली है, अब इस टेबल को हम फॉर्मेट भी करना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और टेबल स्टाइल जो भी हमारी टेबल है, जैसी भी टेबल लेना चाहते हैं हम ऐसी टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ले ली, फिर हमने टेबल स्टाइल जैसे मान के चलिए, ये देखा हमने ये ले ली, हमने साधारण सी टेबल स्टाइल ले ली। अब सबसे पहले हमको ऊपर देखा था ना, नेम नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, अब हमको यहाँ पर प्रेजेंटेशन में लिखना है पर्सन, यहाँ पर हम एग्जांपल लिखना है, यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर थिंग। अब हमको ज़रूरत पड़ रही है, जब हम यहाँ पर देखेंगे, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ ये पर्सन प्लेस ये जो दिख रहा है, अब हमको अगर इसको सेलेक्ट करना, सबका फॉन्ट एक जैसा करना है तो यहाँ पर बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे 18 के बजाय हम इसका फॉन्ट कर देंगे 24। और ऐसे ही सबका भी हम टैप करके इसका फॉन्ट यहाँ पर 24 कर देंगे और यहाँ पर जाके बोल्ड कर देंगे, यहाँ पर जाके 24 कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर जाके ये 24 कर दिया हमने। यहाँ पर मैंने गलती से टच कर लिया था, यहाँ पर फॉन्ट का जो कलर था ब्लू कर दिया था। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा, हाँ एग्जांपल शो करना चाह रहे हैं पर्सन प्लेस और थिंग। अब हमारे पास बात आती है कि ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, अब हमको इसको पर्सन और प्लेस और थिंग ये बीचों बास दिखे, यानी कि सेंटर में दिखे, तो हम यहाँ पर जाएंगे होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद फिर वहीं नीचे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए पर्सन प्लेस और थिंग नीचे आ गया। अब पर्सन के हमको एग्जांपल लिख देने हैं यहाँ पर, जो भी एग्जांपल हम देना चाहें पर्सन का कुछ भी, जैसे यहाँ पर जनरली हम लोग लिखते हैं राम, एक एग्जांपल लिख दिया, सीता प्लेस का लिख दिया यहाँ पर, थिंग का लिख दिया पेन, अब ये हमने यहाँ पर, ये हमारी स्लाइड एक लगभग रेडी हो गई। अब हम मान के चलिए, हम इसमें कुछ भी मान के चलिए मिसिंग है, तब हमको कोई डायलॉग बॉक्स कैसे ऐड करना है मिसिंग, जैसे मान के चलिए हमने एग्जांपल यहाँ पर ऊपर लिखना भूल गए हैं, तब एग्जांपल कैसे इंसर्ट, यहाँ पर जाएंगे न्यू कमेंट करेंगे
यहाँ पर कमेंट लिख पाएंगे। इंसर्ट यहाँ से करेंगे और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर शेप्स पे जाएंगे और शेप्स के बाद यहाँ पर हमने ये शेप ले ली। अब इस शेप को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और इसका साइज यहाँ पर छोटा कर लेंगे। पहले हम अपने टेबल के नीचे थोड़ा सा खिसका लेंगे और ये यहाँ पर हम इस शेप को इंसर्ट कर लेंगे। अब इस शेप को शेप का स्टाइल हमको ये रखना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जो भी शेप का स्टाइल रखना है तो ऑटोमेटिक एक बॉक्स का काम करता है, डायलॉग बॉक्स का काम करता है। और यहाँ पर लिखना है हमको, मान के चलिए हमें जो छोटा था एग्जांपल example यहाँ पर टाइप करेंगे। अब हमें लग रहा है कि ये बॉक्स बड़ा है तब हम इसको एग्जांपल का बॉक्स छोटा कर देंगे। अब इसका फॉन्ट भी हमको इसी के अकॉर्डिंग रखना है तो हमको फॉन्ट बढ़ाना है, फिर उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे और फॉन्ट वाले उसमें 32 करना, 32 हमने कर दिए हैं। और फॉन्ट का अगर सपोज दैट हमको कलर चेंज करना है तो बोल्ड कर देंगे, इटैलिक करना है तो यहाँ पर इटैलिक कर देंगे। इस प्रकार हमारी ये पहली स्लाइड लगभग रेडी है। अब इसमें क्या करना है हमको, अगर सपोज दैट मान के चलिए इसका हमको बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से फिर वहाँ पर टच करेंगे और टच करने के बाद लेआउट करेंगे और लेआउट में ये सारे ऑप्शंस आएंगे। अब इसके बाद सपोज दैट मान के चलिए अगर हमको यहाँ पर जाना है, होम पे जाएंगे और डिजाइन इसमें दिखेगा और डिजाइन पे जाएंगे तो डिजाइन फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे इस टाइप से ये यहाँ पर बैकग्राउंड का जो भी कलर हमको करना है फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके क्लिक करेंगे। तो अगर सपोज दैट मान के चलिए मुझको एक कलर दूसरा लेना है, नो फिल अगर करना चाहे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और इसके अलावा अगर बाई दबे मुझको कलर लेना है, ये हल्का सा ये कलर ले लिया है, ये लेना है तो यहाँ पर जाके ये कलर ले लेंगे, हमने ये कलर लेना है तो ये ले लेंगे। इसके अलावा मोर कलर्स भी हैं तो मोर कलर्स जैसा भी आपको उचित लगे तो यहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हैं, जैसा भी अगर इन्जॉय करने लगें तो उसको ख़रीद सकते हैं। तो हम यहाँ पर कलर लेंगे हल्का सा ये, तो ये हमारी पहली स्लाइड बनके तैयार हो गई। इसके बाकी ऑप्शंस जो भी हैं वो अगर अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। होम के बारे में हमने जान लिया, इंसर्ट के बारे में जान लिया और ड्रॉ के बारे में जान लिया। अगर सपोज दैट ये हमारी पहली स्लाइड और ये दूसरी स्लाइड, दूसरी स्लाइड के बारे में बाकी ऑप्शंस जो भी जितने भी आगे आएंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारी भारी से। यहीं से हम शुरू करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन पर जाके ट्रांजिशन एनिमेशन कैसे लगाएंगे, स्लाइड शो रिव्यू और व्यू। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं अब ये स्लाइड कैसे हमारी दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले ये इस टाइप से दिखेगी, ये हमारी सेकेंड स्लाइड जो कि ब्लैंक है। यहाँ पर अगर प्रेजेंटेशन हमको देना है तो ये पहला ऑप्शन एडिट का है, दूसरा सर्च का है, तीसरा प्रेजेंटेशन का है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर टच करेंगे और हमारा ये प्रेजेंटेशन इस प्रकार से शुरू हो जाएगी। ये तो पहली स्लाइड हमारी इस मोबाइल पर बनके तैयार हो गई है। तो इस प्रकार हम मोबाइल पे पहली स्लाइड हमने बना ली है। तो आगे इसी से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।